तो नमस्कार कार्ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी मशीन को रिपेयरिंग को गए 19वां दिन, हाँ जी 18 दिन पूरे हो चुके, तो 19वां दिन आ गया। तो इसमें थ्रेसर के जैसे कल वाली वीडियो में देखा था फिटिंग चल रही थी, तो कुछ और सेटिंग करने वाली थी, तो कैसे कैसे होती है वो एक बार कर लेता, उसके बाद फ्री होने के बाद आराम से बात करेंगे। और कल प्लेट खोल लगे फॉरमैन, कल स्प्लेट खोल जाएगे। पूरे चेक के रख तू बेचा। गड्डी पूरे ले उस रास्ते पर गया। ठीक है सर। पूरे ले चलना। फिर उस साइड लगा देंगे वापस से। उसका पुन फिर पुन नहीं कर रखना है ना। नहीं वो तो पहले सही है। तो इसमें क्या चीज डली सतना में, इसमें स्लिप है? इसमें बिल्कुल लूज हुआ, ठीक दिखे फिर है। इससे कम है वो, हैं? इससे कम होगा। अच्छा, इसकी लाइन आउट हुआ ही मिला होगा कि फिर? तो ये कर, हाँ? मैं खिड़की खोल गाड़ी की। क्या कर दियो फरमान जी? दबे को नहीं जाम रही हैं हजरत नाम जाम रही हैं बता के देख आता काटन बता के देख और स्प्रिंग वासना देख ले। तो अब जाना पड़ेगा सतनाम को टंगली के अंदर, स्टावा करो के ऊपर, ये टंगली निकाल के लेनी पड़ेगी। इसके ऊपर अपनी प्लेट दिखाई दे, वो तो गैप ट्रिम में, और इसमें देखो बिल्कुल कम गैप बचा है ऊपर, यहाँ से दिख पाएगा क्या? तो ऊपर गैप नहीं बचा, तो एक से दो कटवाने पड़ेंगे सीधे, ताकि कुछ गैप हो जाए तो पीछे मार जा सके, फिर ब्लॉक हो जाएगा यहीं पे, तो चौक हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो ये टंगली थोड़ी सी अपनी दो या तीन सीढ़ियां हैं, जो अपने ऊपर अलग से प्लेट लगाई थी कि पांच सीढ़ियों की, तो वो पूरी तो खोलेंगे एक बार, तो बाहर निकालेंगे, बाकी बाद में देखते हैं पूरी खोल के चलाएं या दो लगाएं इसमें दो सीढ़ियां, तो देखते हैं एक बार बाहर निकाल देते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि ऊपर गैप ड्रम से टच हो रहा है वो बिल्कुल। तोड़ दो खगड़े
तू तो भी नहीं बराबर एचपी को जोर लगा सिस्टम हो 17 मिनट को यू करने के सिस्टम हो के चेक हुआ है फ्री मारा है रे फ्री अच्छा फ्री है हैं ये फ्री है मतलब अच्छा गैर कर लेगा तो इतनी चलेगी नहीं चलेगी तो अब क्या करना पड़ेगा फिर ये वीडियो कर दो क्या टेप कर लिया है वो तो कल दबे पर को काम हो कल दबा जी दबे ही है ना बैरिंग बाड़ने दबा हिण ने जितनी मतलब फ्री होवे ना इसकी हाँ। निगा मारी है भी फ्री होवे भी ये कौन नहीं होवे अच्छा चेक कर रहा था ना चेक कर रहा है ठीक बोला दबे नहीं अच्छा काटो आंगड़ी ना दे दी बीच में इसकी बाहर काट बस ये कौन मारा इन्हें जो भाई होना ते मेरे साथ सारियां च वासना पा के ते बनी जानी गल सारी इन्हें जवास ला सारी अंबसर लागा इन्हें जवास ला ये तू दाब उन्ना नु मेरा आ जानी ना बन जो गल खोल के पा दो फिर रख दो बहाना निकल जा बता दी स्टार्ट करके लीवर लगा दे वो प्लेट खोल के लेनी है वो बैकल नाटन तो वे चवड़ के ना मैं तो बीच में उड़या था नहीं किश्तियां के ऊपर ही आना था तो तुम बस नट में के देख है इंच या 3 इंच या 4 इंच कितने वो बैक शाफ्ट में चलेंगे लंबाई 4 इंच या 5 इंच मैं तो कंपन डाल ले चला सर की हो गया वीर जी सही है कैसे मान लूं मैं तो ना बहुत चिरेगी नीचे हुआ निमी है निमी है ना हाँ देख आ साइड क्या क्या तुम देख देख मैं दिखा चल और दी प्लस थोड़ी देर छोड़ी तेरी भी अगली देर अच्छी गई अच्छी है टचेस के भी करने नहीं उरे ज्यादा फर्क दिखावे ओड़े कम में टच साइड साइड ते बड़ी साइड पर टच सी अलग गेम टेडी है पुरानी पड़ी है उस सिलेंडर सो पड़ी उस कट्टे में
उसको लग रही शायद है ना ऐसा भी चूहा या चीज तो ऊपर ली है हवा घटाने वाली मेरे ब्रेक का काम अपने सतनाम फोरमैन और अमरीक सिंह फोरमैन और पवन पवन दूत मर्जी कर रहे हैं पवन नाम है के पवन और जितते फोरमैन इसका अब निकाल के हवाई जहाज वाले ब्रेक लगाने जा रहे हैं हमें करो फोरमैन तब तक हम इसकी सीट बनवा के लाके आते हैं अपनी सापट की है सतनाम चलो उठाई ले चलना उधर है मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा आ जा आ जा आ जा मशीन नच डाई ले चलो भाई पर ब्रेक ब्रेक रेडी मिलेगा कि अमरीक सिंह हम आएंगे तब तक ओके मिक्के फॉरमैन क्या करते हो फॉरमैन क्या करते हो लोक तो फॉरमैन बर्मी साफ कर रहा है और ये अपने चैन लगा दी ज्यादा टाइट नहीं के कली ना जो दो थब्बे बच्चे ध्यान दे नहीं इसमें पूरी डली होनी चाहिए या करना अच्छा हां जी वो गल है हां जी लगने दे लो भाई लो तगड़ा ये ठोक दे नमी ही पौन देना टेंशन ले रे नवी नवी है अपना कल ट्विटर है तब देखो कोई वाइब्रेशन नहीं इसमें हाँ और इसका थ्रेसर डल चुका है इसकी जो सब पटाई थी उसमें थोड़ी ही कम थी इसकी जो सीट थी वो कम थी तो और बनाने के लिए लंबी और ये पूरा दिन आरी का ब्लेड काट देता है और इसका थ्रेसर डल गया अब ये अपना पूरा डलने वाला है साथ ही इसकी नाब लग थी जो यहाँ पे गिराज लगती है अपनी तो उसकी नाब बिल्डिंग करवानी वाली है तो वो होने के बाद इसकी फिटिंग होगी उसके बाद एलिवेटर लगेगा अपना पूरा लगना है टायर उतर के और साथ ही ये बल्ट लगने हैं और ये इसके ये नया डालेंगे एक अपना इस साइड वाला ये और क्लच प्लेट की फिटिंग करनी है ब्रेक करने से इसमें लीक है इधर है तो ये चेंज करवाएंगे इसका और इसके साथ अपने दो किधर गए वो एक दो चीज़ और थी जो चेंज करने वाली थी तो सत्रह में
ब्लेड के थ्रेसर की सेटिंग किस प्रकार तो है, क्या किस चीज सेट हुए है जी, क्या क्या सेटिंग होती है इसकी? बोले कौन बोले हम देख पॉइंट रुको मुझे तो टेंशन हो गई, टेंशन हो गए लगा नहीं लेना तो अपनी दिन में दिखाई, जैसे वो गैप कम था तो दो तीन वो काट दिया आगे से तेरे करना बुझी बताई मैंने वीडियो में। हाँ ये बुझ चुकी है बताइए तो, या इसने दाल बाद में बताइए लगा दे तो आगे वो नीचे हो गया अब आराम से जाएगा हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने जो आम थ्रेसर में होती है उतनी हो गई अब तो। पहले बास्केट थी उससे दो सिरे बद भी चुके और तीन घट भी चुके क्योंकि पांच थे। ब्लेड लगा के इनकी सेटिंग काट डालनी है फिर पक्के कर देंगे इनको इधर ही दोनों साइड से गैप मिला के, जैसे इसका इस साइड और उसके उस साइड दोनों मिला के उसके बाद सेटिंग हो जाती है इनकी। हाँ पूरा फर्क है, घना फर्क है तो ज्यादा है भाई तो सही है। अच्छा तीन साढ़े तीन अंगल को है आड़े रखिए थ्रेसर ने, तीन अंगल है पूरी तीन अंगल है ना। हाँ तो कम भैया तो करो, मैं अपनी लाइन लगाता हूँ गेहूँ में तो ये भी जरूरी है अपने साथ के साथ पानी आने वाले हो गए तो अपने फुहारा सिस्टम से पानी लगता है तो ये आगे बदलने पड़ेंगे पूरी हाइट है गेहूँ की। अब की बार सही है मौसम ठीक रख दिया तो वो नीचे नहीं गिरे हैं, सही खड़े गेहूँ। अब की बार अगर खड़े रख दिए तो काम भी ज्यादा निकलेगा और गेहूँ भी अच्छे निकलेंगे।